हेलो गाइस, वेलकम है ऑन दी चैनल sharebazaar.com। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। तो गाइस, फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बना हुआ है और इसके पीछे का मुख्य कारण है इसकी कंपनी के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मैं हाल ही में बात करूँ फ्यूचर रिटेल के ही बारे में, तो गाइस फ्यूचर रिटेल का जो स्टॉक है वो 2.80 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रहा है। और हम सभी जानते हैं गाइस कि फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स की जो कंडीशंस हैं अभी इसलिए ख़राब चल रही है क्योंकि ये जो NCLT में इनके काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो जा चुकी हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी बहुत ही जल्दी जो है आपको दिवालिया होते हुए देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे इनका जो बुरा टाइम शुरू हुआ था वो गाइस सबसे हुआ था जब इनकी डील जो है कैंसिल हुई थी रिलायंस के साथ में। तो उस टाइम पे मुझे याद है अप्रोक्स में 74-75 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस गिरे हैं इनके फ्यूचर रिटेल के, फ्यूचर इंटरप्राइजेस, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर एंटरप्राइज, ऑल जितने भी शेयर हैं वो सारे नीचे आ चुके हैं। तो गाइस आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि एक्सिस ट्रस्टी ने अप्रोच किया है NCLT में कि वो जो एड ऑन कर सकते हैं फ्यूचर रिटेल के क्लेम्स में। तो वहीं पे एक्सिस ट्रस्टी के अकॉर्डिंग जो अमाउंट रिसीव हुआ है इनको क्लेम्स में 470 करोड़ का, वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द 1266 करोड़ के। तो कंपनी ने बोला है जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है इनका कि गाइस कि आप जो अमाउंट है उसको जो है ऐड करवाइए क्योंकि ये जो पैसा है वो बहुत ही कम है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है ये आगे लेते हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप उनमें से हो जिनके स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर रिटेल की जो बैंकरप्सी और जो स्पेस मंत्र निकल कर आया है गाइस, उसमें केवल एक ही बिडर है जिन्होंने कि क्लेम किया है रिपोर्ट को। और लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँगा तो फ्यूचर रिटेल ने रिसीव किया था अप्रूवल आपके बैंक करप्शन से कोर्ट से कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो उनका डेट और जो कंप्लीट करने का रेजोल्यूशन प्रोसेस है 90 डेज का वो जो एक्सटेंड किया गया था 15 जुलाई को। तो वहीं पे स्पेस मंत्रा ने जो है गाइस 550 करोड़ रुपए का जो है डील करने की बात कही है। तो अगर इसके अलावा कोई बिडर नहीं मिलता है तो 550 करोड़ में ये डील जो है स्पेस मंत्रा के पास जा सकती है। साथ ही गारमेंट प्रोड्यूसर जो है गाइस एक कंपनी है जो कि 200 करोड़ रुपए का ड्यू है इन पे किशोर बयानी जी के फ्यूचर ग्रुप पे, तो अगर ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी इनको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो 200 करोड़ का ड्यू काफ़ी होता है, तो अगर कंपनी इतना पे नहीं करती है तो उनको जो आने वाले समय पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि फ्यूचर रिटेल और अडानी ग्रुप JV ने जो एक्वायर कर लिया है फ्यूचर रिटेल को, सो करने का कोशिश किया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तक इसके बारे में अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आया है कि ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसको खरीदने में ऐसे फ्यूचर के एसेट्स को या फिर नहीं। तो जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस